गुड इवनिंग एवरीवन। कुछ स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे कि लास्ट एक मंथ में सीयूईटी का प्रिपरेशन कैसे करें, ये कुछ बच्चों ने पूछा है कि अभी सीयूईटी का एग्जाम है मार्च में, भी फेव चल रहा है अराउंड, है ना, 15th फेव आ गया और मार्च में अराउंड 15 से 28 के बीच सीयूईटी का एग्जाम है, तो एक महीने, तो क्या करें। देखो, तो करना क्या है, आपने बीएससी में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, जैम की तैयारी किया होगा तो कुछ ना कुछ करा होगा, तो आपको सीयूईटी का जो सिलेबस एक बार वो ओपन करना है, उसमें देखना है आपको क्या क्या आता है। ठीक, तो आपको लगता है कि जो जो टॉपिक आपको आते हैं तो आपको पीवाई की ओपन करने हैं। सीयूईटी के जैसे 2023 में दो पेपर हुए थे, 8th जून 2023 को पहला पेपर और 11th जून 2023 को दूसरा, दो शिफ्ट में पेपर हुए थे, मतलब अलग अलग बच्चों का अलग अलग डे एग्जाम पड़ा था, तो दो पीवाई के वहां पे हैं, फिर 2022 के हैं, 2021 के हैं, डिफरेंट ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं। तो आपको जो जो सिलेबस आते हैं ना, आप उसके पीवाई क्यू जाके सॉल्व करके देखो कि क्या आपको अभी तक जो आता है, क्या उस नॉलेज पे आप उस टॉपिक के क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो मतलब जैसे पिछले साल जो सीयूईटी का एग्जाम हुआ था उसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे और 2 आवर्स का एग्जाम था, इस बार जो हो रहा है टोटल 75 क्वेश्चन है, 1 आवर 45 मिनट्स का है। तो जो पिछले साल एग्जाम हुए थे उसमें 25 क्वेश्चन एप्टीट्यूड था, 25 मैथ्स के क्वेश्चन थे और 50 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन थे। तो मैं बात कर रहा हूँ सीयूईटी स्टैटिस्टिक्स एग्जाम का। तो अब जो 25 एप्टीट्यूड क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड जो था, जनरल अवेयरनेस था, वो इस बार नहीं है। तो इस बार आपके पास 50 मैथमेटिक्स पोर्शन के और 25 मैथमेटिक्स पोर्शन के और 50 स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के टोटल क्वेश्चन है, जो सिलेबस का है उसी का पार्ट है। तो आपको देखना है कि सिलेबस में क्या क्या आता है और उस सिलेबस से रिलेटेड जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन आए क्या आप वो सॉल्व कर पा रहे हो। फिर दो तीन पीवाईक्यू कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्या पूछ रहा है। उस तरह के क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर लो, किसी कोचिंग का असाइनमेंट देख लो, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब जो टॉपिक नहीं आते हैं वो क्या करना है, तो जो टॉपिक नहीं आते हैं उसको सीखना है। आप थोड़े बुक में जाओ, खोलो, पढ़ो, यूट्यूब से देखो, बुक से पढ़ो, समहाउ सीखो, फिर सीख लिए तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। बुक से भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइजेस कर सकते हो, असाइनमेंट्स कर सकते हो, या पीवाईक्यू सीयूईटी का कर सकते हो। तो इससे आपको धीरे धीरे, देखो एक दिन में सब नहीं होगा, थोड़े थोड़े कर करके आप एक महीने में सीख लोगे सब कुछ। फिर आप क्या करो, पीवाईक्यू फिर से सॉल्व करो। और देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जैम के थ्रू एडमिशन ले लेंगे। जैसे पिछले साल 100 क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो कितने हो गए, 400 मार्क्स का एग्जाम है। अब 400 मार्क्स का जो एग्जाम है आपका, उसमें 156 पे या 150 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू में एमएससी स्टेटस में एडमिशन हुआ है लास्ट ईयर। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, जो जनरल है प्योर, बाकी एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की थोड़ी और कम मार्क्स पे यहाँ, क्योंकि जैम में एडमिशन रैंक के बेसिस पे होता है, कट ऑफ जो आते हैं रैंक आता है, सीयूईटी में जो कट ऑफ आते हैं वो मार्क्स आता है, कि मार्क्स के बेस पे एडमिशन होता है। तो रिलेटिव होते हैं ये, कैसे परफॉर्म बच्चे कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो पिछले साल 156 या 150 के, है ना, 156 पे आई थिंक ड्यू में एडमिशन हो गया था, 150 आउट ऑफ 400 की बात कर रहा हूँ पिछले साल, उस पे आपके बीएचयू में एडमिशन हो गए थे। तो इस बार आपके पेपर जो टोटल एक्चुअली 300 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन खत्म हो गए, तो 300 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है आपका, उसमें 25 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, इसका मतलब 100 मार्क्स मैथमेटिक्स का है, 50 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स के हैं, इसका मतलब आपके 200 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के हैं। इन टोटल 300 में अगर आप 150 भी ले आते हो ना, वहां पे 50% मान लो, चलो 50% नहीं, हाथ थोड़े कम कर लो, 40% ले आओ, ठीक है, तो आप 120 प्लस भी कर लेते हो ना, तो आप सेफ जोन में रहोगे। मतलब 300 में से 120 प्लस भी आप कर लोगे ना, तो यू विल बी इन द सेफ जोन टू गेट इनटू एडमिशन। क्योंकि जो बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्म वाले बच्चे हैं, सीयूईटी में एग्जाम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो जैम दे के आगे चले जाएंगे, या दे भी रहे तो एडमिशन नहीं लेंगे, तो कट ऑफ इसलिए कम जाती है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जैम के थ्रू एडमिशन ले लेंगे, इस तरह से है। सो आपको सीयूईटी के लिए करना क्या है, एक महीने में गो थ्रू सिलेबस, सी जो टॉपिक आते हैं उसके क्वेश्चन पीवाईक्यू करके देखो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नहीं होता है, तो इस सियोरिटी के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, ताकि आप श्योर हो जाओ कि हाँ आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरह से, ठीक है। तो बाकी यही बताना था कि कैसे प्रिपरेशन करें, और क्या बता सकता हूं, वही सीखना है समहाउ। देखो समहाउ आपको सीखना है, अब कैसे सीखोगे, बुक से, यूट्यूब से, या गूगल से, अब ये इंस्टाग्राम फेसबुक इधर चलाकर नहीं सीख पाओगे, तो उसे बंद करके आपको कंटेंट पे, यूट्यूब पे भी ये फालतू के वीडियोस देखने से जो आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, तो आपका टाइम किल होगा, है ना।
तो YouTube का अच्छा इस्तेमाल करो कि आप जो अच्छे कंटेंट YouTube पे सारे अवेलेबल हैं, आप बिना कोचिंग के भी कर सकते हो, सारा कंटेंट YouTube पे है, लेकिन आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि क्योंकि वहां बहुत सारे डिस्ट्रेक्शन भी है ऑनलाइन, चाहे फोन उठा लो तो इंस्टाग्राम फेसबुक और इधर यूट्यूब शॉर्ट्स में चले जाओगे, ये दिक्कत है। तो आपको उससे बच के फोकस स्टडी करनी होगी, 1 महीने बहुत टाइम है, आप अच्छा प्रिपरेशन अभी भी कर सकते हो। आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे यहाँ ज्वाइन भी कर सकते हो। आपको सीयूईटी का फुल सिलेबस की रिकॉर्डिंग चाहिए, 1000 रुपीज में मिलेगा। हमारे यहाँ आपको PYQ लाइव करना है, डिस्कशन हो रहा है, लाइव डिस्कशन है, 15 फेब से बैच स्टार्ट है कल से, हालांकि लेकिन हम PYQ हालांकि सॉल्व करना शुरू कर दिया हमने बच्चों के साथ, तो कल से मतलब बैच प्रॉपर बैच है। तो आप CUET का PYQ करना चाहते हो, हमारे यहाँ मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो जो CUET पैटर्न पे ही हमारे यहाँ 20 मॉक टेस्ट होंगे, जो CUET का पैटर्न इस साल का है, तो उस 20 कम से कम 20 मॉक टेस्ट, अलग प्लान है, 10 यूनिट वाइज, 10 non-PYQ फ्रेश मॉक टेस्ट CUET पैटर्न पे, फिर 10 PYQ जो पिछले साल आ चुके हैं जस्ट आपके रिविजन के लिए, वो हम पोर्टल पे अपलोड करेंगे, फिर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको दिखेगा कितने गलत हुए, कितने सही हुए, क्या करेक्ट ऑप्शन है, आपने क्या फील किए, आपके एनालिसिस दिखाएगा वहां पे, फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस हम क्लास में भी करेंगे। तो ये 1 महीने रेगुलर डेली 1.5 2 घंटे एक क्लास चल रही है। हमारा बैच टाइम अभी CUET का जो बैच चल रहा है, बैच 7 नाम है उसका, और उसका टाइम है शाम को 6 to 7:30 या 5:30 to 7:30 लूंगा, मैं 6 to 7:30 लूंगा क्लास में। तो ये हमारी क्लास की अभी टाइमिंग है। मेरे बारे में अगर जानना है तो मेरा नाम संतोष कुमार चौधरी है, और मैंने अभी IIT खड़गपुर से PhD जस्ट मैं कंप्लीट कर रहा हूँ इस जुलाई में, और मेरा इससे पहले IIT बॉम्बे से MSc हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, IIT दिल्ली से मैंने MSc किया मैथमेटिक्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरा मैथ्स ऑनर्स है, और वैसे मैं पिछले 13-14 साल से पढ़ा रहा हूँ, 13-14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मजबूरी में शुरू किया था लेकिन मजा आ रहा है, तो वो है। सो 2010 में ही जब मैं 10th पास किया था तब से मैं पढ़ाना शुरू कर दिया था, होम ट्यूशन 6, 7, 8, 9, 10 क्लासेस को, मतलब तब से रेगुलर पढ़ाता रहा हूँ, तब से घर से मैं पैसे भी नहीं लिए हैं, तो फाइनेंशियली तब से मैं इंडिपेंडेंट, पिछले 13-14 ईयर से तो इंडिपेंडेंट हूँ मैं। यही चीज है। बाकी आपको और कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।